दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल एक बार फिर से आई चर्चा में। जी हां, रुआ के बता दी कि विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय स्वास्थ्य विभाग के एगो आवेदन देहल गेल बा। ई आवेदन जौन बटे ए श्री प्रभुनाथ पाठक पूर्व सचिव दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के तरफ से देहल गेल बा। वहां के तरफ से महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार के एगो पत्र लिखल गेल बा जौना में लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत परिवाद कार्यालय से प्राप्त करावल गेल बा। दायर परिवाद में परिवादी द्वारा उल्लेखित गेल बा कि सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के जौन की कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संबंध बा, एमे सरकारी नियम के अनदेखी करके फर्जी डॉक्टर के डिग्री देवे के उपक्रम कैल जा रहल बा। सुनवाई के क्रम में परिवादी द्वारा लिखित रूप से सूचित कल गेल बा कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय बिहार के द्वारा कुलपति एवं महाविद्यालय के प्राचार्य बिना कोनो अनुमति के गलत रूप से नामित बीएमएस और एमडी के छात्र के लगातार परीक्षा ले रहल बने और परीक्षा फल भी घोषित कर रहल बने। परिवादी के कहनाम बा कि उनका द्वारा पूर्व में दिए गए शिकायत के आलोक में राज्यपाल सचिवालय बिहार राजभवन पटना की अधिसूचना के द्वारा माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान के द्वारा सत्र 2019-20 में बिना नीट पास के लिए 29 को छात्र के अवैध नामांकन से संबंधित मामला में जांच हेतु एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कल गई रहे। उकरा बाद जांच समिति जांच करके कई गो बिंदु जनबा ऊपर अपन प्रतिक्रिया राजभवन के सौंप दल रहे। हालांकि परिवार में यो कहल गेल बा कि जांच रिपोर्ट सौंपला के बावजूद आज तक कोनो कार्यवाही ना भइल, जबकि जांच समिति द्वारा 5 दिसंबर 2022 के ही हस्ताक्षरित ई जौन रिपोर्ट बा ई जमा कर देहल गेल रहे। उक्त परिवार के सुनवाई खातिर 9 अक्टूबर 2023 के 11 बजे समय रहे। सुनवाई के क्रम में परिवादी उपस्थित एवं लोक प्राधिकार सह प्राचार्य दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान अनुपस्थित रहनी। परिवाद के सुनवाई के अगला तिथि के निर्धारण हेतु प्राचार्य दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान द्वारा प्रपत्र देहल गेल बा जना में बाहर जाने के कारण समय के मांग कल गेल बा। परिवार के प्रति उनके साथ अनुलग्न सब कागजात दस्तावेज के साथ संलग्न करके पुनः लोक प्राधिकार सह प्राचार्य दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान कुलाधिपति कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के प्रेरित कल जा चुकल बा। अंत में अंकित बिंदुओं द्वारा दावा कल जा रहा बा कि लाभ या राहत के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन और साक्ष्य के साथ सुनवाई के अगला जौन तिथि बटे 22 नवंबर 2023 के सुबह 11 बजे स्वयं उपस्थित होखी या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपन पक्ष रखी। प्रावधान के अनुसार परिवाद के 60 दिन के अंदर निर्णय पारित कर देवे के बाद अब देखे के ही बा कि जब अगला सुनवाई 22 नवंबर 2023 के सुनवाई हुई तो ओकरा बाद निर्णय का निकलता। फिलहाल एक बार फिर से चर्चा के विषय बनल बा दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान।